आज ही के दिन 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसकी खुशी में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। साथ ही देश के तमाम नेता इस दिन देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 1971 में भारतीय सेना की बहादुरी के सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था और बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। यह युद्ध पूरे 13 दिनों तक चला और इस युद्ध में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए थे, जिसे आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उनकी वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का स्रोत है। उनका बलिदान और अटूट भावना लोगों के दिलों में और हमारे देश के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। लेफ्टिनेंट जनरल केट्स बराड, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दक्षिण भारत क्षेत्र ने युद्ध स्मारक चेन्नई में शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए सरमे टाइम्स के साथ, और मैं थी आपके साथ आकांक्षा।